हेलो एवरीवन, वेलकम टू पलवेज किचन एंड क्राफ्ट। और आज हम देखेंगे शेंगदाण्याची चटणी कशी बनवायची। ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पीनट यानी मूंगफली से। यहाँ पे हमने 1 कप मूंगफली के दाने लिए हैं जिसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इन्हें पूरा अच्छी तरह से जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होते तब तक भूनना है। ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सर के जार में ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने आधी क्वांटिटी ली है। साथ में ही हम डालेंगे गार्लिक यानी लहसुन की कुछ कलियाँ। लहसुन और पीनट यानी मूंगफली के दाने, इसे हम जब ग्राइंड करेंगे तो ये ज़्यादा पीस जाएंगे और मूंगफली की चटनी में यानी शेंगदाण्याच्या चटनी मध्ये थोड़ा सा दरदरापन होना चाहिए। तो ये देखिए, ये अभी पूरी तरह से ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे हमने 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर यूज़ करी है। साथ में ही हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और वो दरदरापन लाने के लिए बचे हुए पीनट्स ऐड करेंगे। इसे हम रफली ग्राइंड करेंगे ताकि पीनट्स जो बाद में हमने ऐड करे हैं उसमें थोड़ा सा दरदरापन रहे। अब हम इसे एक पैन में निकाल लेंगे और हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। इसे पूरी तरह से मिक्स करके हम गैस की फ्लेम मीडियम हीट पे ऑन कर देंगे। साथ में ही हम डालेंगे 2 चम्मच घी। घी ऐड करने से इसमें थोड़ा सा करारापन आएगा और ये चटनी ज़्यादा दिन तक क्रिस्पी रहेगी। जब ये पूरी तरह से रोस्ट हो जाएगी तो इसे ठंडा करके आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपकी शेंगदाण्याची चटनी ये बिल्कुल रेडी है। आप इसे 3 महीने तक फ्रिज के बाहर और 7 से 8 महीने तक फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। ये ट्रैवलिंग में, टिफ़िन में या कोई भी इंडियन फूड के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी पे मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। बाय।